गुरुवार को महेवा मंडी में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महेवा सब्जी मंडी में आरती हरेराम एंड कंपनी के द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और दुकान पर भीड़ देखने को मिली और उसने मंडी में फुटकर दुकान भी लगा रखी थी। आरती मास्क पहने नहीं मिला, इसको देखते हुए मंडी इंस्पेक्टर अंकुश श्रीवास्तव की संस्तुति पर सिटी मजिस्ट्रेट ने आरती हरेराम एंड कंपनी की दुकान के लाइसेंस को निलंबित कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडी इंस्पेक्टर अंकुश श्रीवास्तव और सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, मैं अंकुश श्रीवास्तव मंडी निरीक्षक गोरखपुर। देखिए ऐसा है, सभी व्यापारियों को पहले से जो है यह सूचना दे दी गई थी और निर्देश दे दिया गया था कि आप व्यापार सोशल डिस्टेंस बनवा के और लॉकडाउन का पूर्ता पालन कराकर ही करेंगे। इस बीच में कल जो देखा गया कि ये फर्म जो है हरिराम एंड कंपनी, इनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग न बनवाते हुए भीड़ इकट्ठा कर दी गई थी और इसलिए इनका लाइसेंस जो है लॉकडाउन प्रावधानों के अंतर्गत सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा सस्पेंड किया गया, जिसमें मेरी संस्तुति और मेरी जांच थी। ये समझ से अगर आगे भी अगर कोई ऐसा करता है तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए 3 तारीख जब तक लॉकडाउन की समय सीमा है तब तक अगर कोई भी व्यापारी मंडी का लॉकडाउन का पालन न करते हुए बिक्री करेगा तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। परसों रात में मेरे द्वारा जब औचक निरीक्षण किया गया महेवा मंडी का, तो वहाँ पे जो थोक व्यापारी जो सब्जी बेचते हैं तो उनमें से हरिराम एंड कंपनी जो थी उसके द्वारा जो दुकान लगाई गई थी उसके आगे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा था, अनावश्यक भीड़ लगवाई जा रही थी और साथ ही साथ वो ना तो मास्क लगाए थे ना ही गमछा लगाए हुए थे, तो जो कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के रोकथाम में ये प्रभावी नहीं होगा इस तरह की अगर एक्टिविटीज़ करेंगे तो, और इससे फैलने का भी खतरा रहता है। इसके साथ ही साथ थोक व्यापारियों को फुटकर व्यापार करने की कोई इजाज़त नहीं, पर उनके द्वारा फुटकर भी व्यापार किया जा रहा था, तो ये 3-4 उनके द्वारा गलतियां की गई थी जिससे क्रम में उनका लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और आगे इस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। देखिए मंडी में 2 चीज़ें स्पष्ट हैं कि किसी भी प्रकार का फुटकर व्यापार नहीं होगा, सिर्फ थोक व्यापार होता है, फुटकर व्यापारियों को वहाँ से हटा दिया गया है, तो अगर कोई भी फुटकर व्यापार करने में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कोरोना जैसी बीमारी इस समय जो कि इस समय चल रही है एक वैश्विक महामारी है, तो इससे बचाव के कुछ उपचार बताए गए हैं जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करना है, पर्याप्त दूरी बनाई रखनी है, मास्क या गमछा या जो भी चीज़ मिले उससे अपने मुंह को ढके रहना है, तो इसका अनुपालन सभी करना सुनिश्चित करना चाहिए। परंतु जो भी इसका अनुपालन नहीं करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन नहीं करेगा, अपने अनावश्यक भीड़ लगाएगा, तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।